Hello everyone, the next topic is which we are going to do today. We are going to start with the next chapter, and the chapter is 13, data handling. So first of all, what is data handling? In data handling, and some information is given to you, that information can be expressed in a number of ways. वो किसी वर्ड में हो सकती है, सिंबल्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, या ग्राफ्स हो सकते हैं. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इन द फर्स्ट वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पिक्टोग्राफ्स. पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? पिक्टोग्राफ्स का मतलब होता है जब आपको कोई पिक्चर्स और सिंबल्स दिए गए हैं विच रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन, उसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं या पिक्टोग्राफ बोलते हैं, जो हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक पिक्टोग्राफ जो है उससे उस फर्दर उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. सो लेट अस टेक द एग्जांपल्स दैट हाउ वी विल बी स्टार्टिंग एंड डूइंग द पिक्टोग्राफ. सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ डेटा हैंडलिंग, एक्सरसाइज 13A. रीड द स्टेटमेंट, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ ये आपको एक पिक्टोग्राफ दिया गया है जिसमें एक लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं उसके बारे में बताया गया है, विच इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हेयर इट इज़ रिटन कि एक बुक जो है वो जो इन्होंने शो की है वो 10 बुक्स को रिप्रेजेंट करती है. दैट मीन्स ये अगर सिंगल है इंग्लिश के सामने, दिस इज़ 1, तो दैट मीन्स ये 1 इज इक्वल्स टू 10 बुक्स. तो हाउ मेनी बुक्स आर शोन हेयर? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. दैट मीन्स दीज आर द 60 बुक्स. आपको 6 गिवन है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, विच इज़ इक्वल्स टू 60. हेयर 1, 2, 3, 4, 4 बुक्स आर गिवन, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, इक्वल्स टू 40. मैथ्स में 1, 2, 3, 4 and 5 आर गिवन, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, इक्वल्स टू 50. साइंस में 1, 2, 3, 4 and 5, अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 50. एंड इन द लास्ट इन द फ्रेंच 2 बुक्स आर गिवन, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20. दैट हाउ दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द एवरी सम. So let us solve the questions now. How many maths books are there in the library? We already have solved that there are 1, 2, 3, 4 and 5. 5 multiplied by 10 equals to 50. That means there are 50 books in the library. So you will be writing here 50. Next is, which subject has maximum number of books? Means kis subject mein subject ki sabse zyada books hain. So here you can see it is clear that English have the maximum number of books, which is 60. So here your answer will be English. Next, which subject has minimum number of books? Sabse kam books kiski hain? French ki, which is 20. So here we'll be writing French. And in the last, what is the total number of books in the library? Total number of books matlab total sari kitni hain? Uske liye you have to add all these numbers. 60 plus 40 plus 50 plus 50 plus 20 equals to 60 plus 40 100, 100 plus 50 150, 150 plus 50 200, 200 plus 20 equals to 220. That means there are 220 total number of books in the library. This is how you have to solve the various questions based on the pictograph. Understand the pictograph first, the information which is given, then solve the related questions. I hope it is clear. Thank you.